मोहन जी, जरा बताइए फसल बीमा ऐप पर ये बीमा पंजीकरण की स्थिति कैसे देखूं? माफ करना रमा बहन, आज तो मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। आप ब्लॉक समन्वयक जी को फोन करके पूछ क्यों नहीं लेती? सही कहा आपने। हेलो, ब्लॉक समन्वयक बोल रहे हैं, मुझे बीमा ऐप से जुड़ी कुछ बातें जाननी है। देखिए रमा जी, मैं अभी आपके पास आकर आपको बताता हूँ। तो रमा जी, आप समझ गई ना ऐप पर पंजीकरण की स्थिति कैसे देखते हैं? हाँ हाँ, आपका बहुत धन्यवाद। अच्छा हुआ आप सब भी यहाँ आ गए। आज मैं आप सबको कुछ और जानकारी देना चाहता हूँ, और वो क्या है? वह है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में आप किसानों की भूमिका संबंधी जानकारी। आप सब किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की सभी प्रक्रियाओं जैसे पंजीकरण, सूचना देना, दावा राशि की गणना और अपने साथी किसानों की सहायता आदि के बारे में अच्छे से जानकारी हासिल करनी चाहिए। आपको पंजीकरण के लिए हमेशा स्पष्ट कागज देने चाहिए, जिससे हर जानकारी ठीक तरह से दिखे। अपने कागज और पॉलिसी से जुड़ी जानकारी को सुरक्षित रखना चाहिए। आधिकारिक लोगों के अलावा किसी अन्य के साथ अपनी कोई भी जानकारी साझा नहीं करनी चाहिए। हमेशा स्थानीय आपदा से हुए नुकसान की सही जानकारी 72 घंटों के अंदर अपने निकटतम कृषि कार्यालय या बीमा कंपनी को दें। अपनी पॉलिसी की जानकारी सही और स्पष्ट तरीके से देनी चाहिए। ब्लॉक समन्वयक कृषि विभाग के अधिकारी अथवा बीमा कंपनी द्वारा जारी टोल फ्री नंबर पर सूचित किए बिना किसी भी अनावश्यक मेल या कॉल का जवाब नहीं देना चाहिए। सभी जागरूकता एवं IEC संचालित गतिविधियों में भाग लेना चाहिए। हम इसका ध्यान रखेंगे। हाँ, फसल बीमा को ठीक से समझिए तथा इसका लाभ उठाइए। साथ ही अपने विचार कमेंट्स द्वारा हम तक पहुँचाइए। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।